हेलो एवरीवन, ड्रीम फ्लावर कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेक अ क्वेश्चन या फिर मेक अ क्वेश्चन बिगिनिंग विद क्वेश्चन वर्ड। एग्जाम में एक सेंटेंस दिया जाता है जिसका क्वेश्चन बनाने के लिए कहा जाता है, मतलब एक आंसर दिया जाता है जिसका आपको क्वेश्चन बनाने के लिए कहा जाएगा। सेंटेंस के आगे कोष्टक में लिखा रहेगा मेक अ क्वेश्चन बिगिनिंग विथ वेयर वेन हाउ मैनी हाउ मच। ये हम बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड है जिनका प्रयोग क्वेश्चन बनाने के लिए करना है। एक है व्हाट, व्हाट का अर्थ होता है क्या। जब भी हम आंसर का क्वेश्चन बनाएंगे और व्हाट का प्रयोग करेंगे तो उसमें कर्म दिया रहेगा, उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, उस ऑब्जेक्ट को हमें रिमूव करना है, मतलब उसको हटाना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर वेन का प्रयोग करना हो, वेन के द्वारा अगर मान लो हमें क्वेश्चन बनाना हो तो उस सेंटेंस में टाइम दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, उसको हमें हटाना पड़ेगा। जब वेयर का प्रयोग होगा तो उस सेंटेंस में किसी प्लेस का नाम दिया रहेगा, किसी स्थान का नाम दिया रहेगा, उस स्थान को हमें रिमूव करना पड़ेगा, मतलब उसको हटाना पड़ेगा। वाई का प्रयोग अगर मान लो हम सेंटेंस में क्वेश्चन बनाने के लिए करते हैं वाई का प्रयोग, तो उसमें कोई रीजन दिया रहेगा, कोई कारण दिया रहेगा, उसको हमें हटाना होगा। और हु का प्रयोग करने के लिए हमें उस सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट दिया होगा, मतलब जो कर्ता दिया रहेगा, उस कर्ता को हमें हटाना है। इसके बाद में आगे देखते हैं हम हाउ मैनी, हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे तो उस सेंटेंस में तरीका दिया रहेगा, उसको हमें हटाना पड़ेगा। और हाउ मैनी का जहाँ पर प्रयोग होगा उसमें उस सेंटेंस के अंदर किसी वस्तु की संख्या दी रहेगी तो उस वस्तु की संख्या हमें हटानी पड़ेगी, मतलब वो 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से किसी भी वस्तु की संख्या का नाम उसमें दिया रहेगा, उसको हमें हटाना पड़ेगा। हाउ मच का प्रयोग अगर मान लो हम करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए तो उसमें उस सेंटेंस में किसी वस्तु की मात्रा दी रहेगी, मतलब वस्तु ऐसी दी रहेगी जो अनकाउंटेबल हो, जिनको गिना नहीं जा सकता है, मतलब वो वस्तु मात्रा के रूप में दी रहेगी, तो हमें वस्तु की मात्रा को हटाना पड़ेगा। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इसके नियम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से नियम का फॉलो करना है। फर्स्ट नियम, इन सभी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में किया जाता है। आपने देखा होगा क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन वर्ड है हमेशा सेंटेंस के प्रारंभ में ही यूज होते हैं। सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाया जाता है, साथ में जिस सेंटेंस से हम क्वेश्चन बना रहे हैं उस सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा। ये दो चीज़ों का ध्यान हमें रखना है। नियम दूसरा क्या है, कह रहा है यदि सब्जेक्ट आई वी दिया गया हो तो उसे यू बनाया जाता है। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट आई या फिर वी दिया गया हो तो हमें उसको यू के रूप में चेंज करना है। तो ये दो नियम हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पार्ट फर्स्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 आपको बता दिया था। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। इस सेंटेंस में दिया हुआ है बाली राम इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, बाली राम मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अब इसमें क्या करना है, बाली राम सब्जेक्ट है, इसको हटाना है और इसके स्थान पर वो का प्रयोग करना है। मैंने आपको बताया था कि यदि सब्जेक्ट आई या वी दिया जाए तो उसको यू बनाया जाता है। क्या बनाते हैं उसको, यू। तो इसमें सब्जेक्ट तो बाली राम दिया तो बाली राम के स्थान पर हु यूज कर दिया हमने, लेकिन इसमें जो माई है तो ये माई आई का सेकंड रूप है, आई का सेकंड रूप माई होता है, तो हमें आई के स्थान जब आई दिया हो सब्जेक्ट तो उसको यू बनाते हैं। तो माई दिया है तो हम यू को क्या बना देंगे, यू आर,
तो यहाँ पर बने तो हु इज योअर बेस्ट फ्रेंड, तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, हु इज योअर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है। बालीराम के स्थान पर हु का प्रयोग होगा और माई के स्थान पर यूअर का प्रयोग होगा, तो हु इज योअर बेस्ट फ्रेंड। आई होप आपको ये सेंटेंस में समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, ही डिसाइडेड टू सोल्व दिस प्रॉब्लम बाई गिविंग देम अ टेस्ट। ही डिसाइडेड टू सोल्व, उसने निर्णय लिया टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को हल करने का, बाई गिविंग देम ए टेस्ट, एक टेस्ट लेकर। इसमें प्रयोग करना है मेक ए क्वेश्चन बिगिनिंग विद हाउ, हाउ का प्रयोग करके क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन बनाने का वही तरीका, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे हाउ, और उसके बाद में इसमें हाउ का प्रयोग किया जाता है तो उसमें तरीकों को हटा दिया जाता है। तो इसमें तरीका क्या दिया है, बाई गिविंग अ टेस्ट, तो इसमें बाई गिविंग अ टेस्ट इसको हमें हटाना पड़ेगा। सब्जेक्ट इसमें ही दिया हुआ है और ही से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। अभी हेल्पिंग वर्ब इसमें दी नहीं है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। मैंने आप बताया था आपको कि जब वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी होती है तो वह वाक्य पाँचवें टेंस का होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा तो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब रखना पड़ेगी, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो यहाँ पर ही से पहले हम डिड का प्रयोग करेंगे। तो हु डिड ही, अब ये यहाँ पर क्वेश्चन में डिसाइडेड लिखा हुआ है तो डिसाइडेड के स्थान पर हमें डिसाइड लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ये डिसाइडेड सेकंड फॉर्म है लेकिन हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस बना, हाउ डिड ही डिसाइड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और बाय गिविंग अ टेस्ट इसको हमें हटाना पड़ेगा। आई होप आपको ये सेंटेंस भी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, वी बॉट 12 चेयर्स, हमने 12 कुर्सियाँ खरीदी। सेंटेंस में निर्देश दिया है कि मेक ए क्वेश्चन बिगिनिंग विद हाउ मैनी, हाउ मैनी का प्रयोग करके क्वेश्चन बनाइए। अब हाउ मैनी का जब प्रयोग होता है तो क्या होता है, सेंटेंस में जो वस्तु की संख्या दी जाए जाती है उसको हटाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे और हाउ मैनी के तुरंत बाद हमें उस वस्तु का नाम लिखना पड़ेगा जो उस सेंटेंस में दी गई हो, मतलब जो वस्तु की जो संख्या हटाई जा रही है उसके बाद वाले शब्द को हमें हाउ मैनी के तुरंत बाद लिखना पड़ेगा। तो ये हाउ मैनी चेयर्स हो गया। इसके बाद में हमें सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो सब्जेक्ट इसमें वी दिया है तो वी को यहाँ पर यू बना दिया। मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट आई और वी दिया हो तो उसको यू बनाया जाता है, और यू से पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग कर किया गया है। डिड का प्रयोग इसलिए किया है गया है क्योंकि यहाँ सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, इसमें सेकंड फॉर्म दी गई है, और जब सेकंड फॉर्म दी होती है तो वहाँ सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है पाँचवें टेंस का, तो पाँचवें टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमने डिड लगा दी। और जब डिड का प्रयोग होता है तो मैंने आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना दी। ये जो बाट लिखा है इस बाट को हमने यहाँ पर बाई बना दिया। तो क्वेश्चन बना, हाउ मैनी चेयर्स डिड यू बाई, तुमने कितनी कुर्सियाँ खरीदी। तो यहाँ पर जवाब मिलेगा, वी बॉट 12 चेयर्स, हमने 12 कुर्सियाँ खरीदी। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, उसके भाई ने सारा सोना बेच दिया। अब इसमें क्या करना है, मेक अ क्वेश्चन बिगिनिंग विद हाउ मच, हाउ मच का प्रयोग करके क्वेश्चन बनाना है। तरीका वैसा का वैसा ही जैसा हाउ मैनी का है, सबसे पहले हमने हाउ मच का प्रयोग करा। अब हाउ मच के तुरंत बाद हमें उस वस्तु का नाम लिखना पड़ेगा जिसकी संख्या इसमें बताई गई है, तो इसमें संख्या कितनी बताई गई है, आल, आल मतलब सभी, मतलब उसके भाई ने सारा सोना बेच दिया, तो आल यहाँ पर हटाना पड़ेगा।
तो आल के बाद वाला शब्द क्या है? द गोल्ड, वस्तु का नाम है द गोल्ड। द हाउ मच के तुरंत बाद हमें द गोल्ड लिखना पड़ेगा, हाउ मच द गोल्ड। इसके बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट हिज ब्रदर लिखा हुआ है, तो हिज ब्रदर के आगे हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगी। तो हेल्पिंग वर्ब हमने कौन सी यूज की यहाँ पर? हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करा है। डिड का प्रयोग इसलिए करा क्योंकि यहाँ सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, इसमें सेकंड फॉर्म यहाँ पर दी हुई थी। मैंने आपको बताया कि जब सेकंड फॉर्म दी होती है तो वहाँ सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है और उसकी हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो डिड का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट हिज ब्रदर से पहले डिड का प्रयोग करा, और जो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई थी उसको हमने यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में चेंज कर दिया। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में इसलिए चेंज किया क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन बना, हाउ मच द गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल, उसके भाई ने कितना सोना बेचा। तो आंसर मिलेगा हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, उसके भाई ने सारा सोना बेच दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला सेंटेंस भी। इसके बाद में अगला सेंटेंस देखते हैं, द सर्वेंट गेव यू ऑल द मिल्क, नौकर ने तुम्हें सारा दूध दे दिया था। मेक अ क्वेश्चन बिगिनिंग विथ हाउ मच, हाउ मच का प्रयोग करके क्वेश्चन बनाना है। तो सबसे पहले हाउ मच का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, इसमें मिल्क की मात्रा कितनी दी थी? आल, तो आल के बाद में द मिल्क लिखा हुआ है, तो हाउ मच के तुरंत बाद हमने द मिल्क लिख दिया। सब्जेक्ट इसमें द सर्वेंट लिखा हुआ है, तो द सर्वेंट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगी। इस टेंस में भी सेकंड फॉर्म दी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड लिखना पड़ेगी। तो यहाँ द सर्वेंट से पहले हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग कर दिया, और जब डिड का प्रयोग हो जाता है तो वर्ब की कौन से फॉर्म यूज होती है? फर्स्ट, तो गेव की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर गिव यूज हो गई, और ये यू यहाँ पर लिखा हुआ। तो क्वेश्चन बना, हाउ मच मिल्क डिड ही सर्वेंट गिव यू, नौकर ने तुम्हें कितना दूध दिया? तो जवाब मिलेगा द सर्वेंट गेव यू ऑल द मिल्क, नौकर ने तुम्हें सारा दूध दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर ब्रदर ब्रोक द चेयर, तुम्हारे भाई ने कुर्सी तोड़ी। मेक अ क्वेश्चन बिगिनिंग विथ व्हाट, व्हाट का प्रयोग करके क्वेश्चन बनाइए। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि तुम्हारे भाई ने क्या तोड़ी? तो जवाब मिलेगा योर ब्रदर ब्रोक द चेयर, तुम्हारा भाई ने कुर्सी तोड़ी। तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे व्हाट का। अब यहाँ पर लिखा है योर ब्रदर, तो योर ब्रदर से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। इस सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब दी नहीं हुई है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ब्रोक लिखा हुआ है, इसका मतलब यह वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमें डिड लिखना पड़ेगी। तो योर ब्रदर से पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया गया है, जो ब्रोक लिखा है यहाँ पर सेकंड फॉर्म उसको फर्स्ट फॉर्म के रूप में चेंज कर दिया गया क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो क्वेश्चन बना, व्हाट डिड योर ब्रदर ब्रेक, तुम्हारे भाई ने क्या तोड़ी? तो जवाब मिलेगा योर ब्रदर ब्रोक द चेयर, तुम्हारे भाई ने कुर्सी तोड़ी। आई होप ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो तो कम से कम एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर कीजिए।